विश्वास है तो व्यापार है। धन्नाराम सेठ का बेटा बबलू गर्मी की छुट्टी लगते ही रोज आकर दुकान पर बैठने लगा था। दिन भर वो दुकानदारी में तो पिताजी का हाथ बटाता ही, साथ में बही खाते में उधार लिखने और हिसाब रखने की जिम्मेदारी भी बबलू ने ही ले ली थी। वैसे तो सब ठीक था, पर बबलू को एक ग्राहक यानी शर्मा जी की बात बड़ी अजीब लगी। शर्मा जी दुकान पर सामान लेने आते और बिना हिसाब पूछे मुस्कुराकर खाते में लिखने को कह जाते। चूंकि अब बही खाता बबलू के हाथ में आ चुका था, उसने एक छोटी सी धांधली करने की सोची। वो हर बार शर्मा जी के हिसाब में 10 रुपए बढ़ाकर खाते में लिख लेता। बबलू बड़ा खुश था कि किस तरह उसने शर्मा जी की मूर्खता का फायदा उठाकर अपने पिताजी की कमाई बढ़ाने में योगदान किया है। एक दिन बबलू जब शहर घूमने जा रहा था तो उसने देखा कि शर्मा जी भी उसी बस में बैठे थे और उनके हाथ में बड़ा सा खाली बैग देखकर उसे समझ आ गया कि ये खरीदारी करने जा रहे हैं, या बबलू की भाषा में कहें तो अपने आप को लुटवाने जा रहे हैं। बबलू ने चुपचाप शर्मा जी का पीछा करना शुरू किया, पर उसकी सोच के विपरीत उसने देखा कि शर्मा जी हर दुकान पर पूरा मोल भाव करके सामान लेते और पूरा हिसाब करने के बाद ही पैसे देते। बबलू को ये बात पची नहीं। उसने सारी कहानी घर आकर अपने पिताजी को सुनाई। सेठ धन्नाराम ने तब अपने बेटे बबलू को समझाया, बेटा शर्मा जी से बुद्धिमान तो पूरे गांव में कोई नहीं है। वो तो हमारे पुराने ग्राहक हैं और हम पर पूरा विश्वास करते हैं और इसलिए हमारा हिसाब नहीं देखते, और विश्वास व्यापार की बहुत बड़ी पूंजी है। एक बार टूटा तो बस टूट गया। आज बबलू को समझ आया कि विश्वास है तो व्यापार है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।